संसार में संत सबसे बड़े हैं और संतों के प्रति श्रद्धा रखना, प्रेम रखना, संत महापुरुषों के दर्शन करना, इससे जीवन में बहुत शांति मिलती है। सदगुरु कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखेरी हुई घड़ी बाकी के दिन बाद। जिस पल जिस घड़ी संतों के दर्शन होते हैं वो घड़ी बड़ी अच्छी लगती है, महत्वपूर्ण घड़ी है, संतों के दर्शन होते हैं। संत सुंदरदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, संत मुगत के पोलिया जिनसे करिए प्यार, कूंची उनके हाथ है खोले मोक्ष द्वार। संत है मुगत के पोलिया है, पोलिया गेट के सामने खड़े रहते हैं दो गेटमैन, ऐसे ही मुक्ति के जो दाता है सदगुरु है, संत है। संतों के चरणों में बैठ करके जो सुख मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि वह भजन है, वह आनंद है। कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मारो मेरो राम फकीरी में। जो सुख संतों के चरणों में मिलता है, जो भजन में मिलता है, वो सुख संसार में कहीं नहीं मिल सकता। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, होते आनंदे आनंदे भजन में, होते आनंदे आनंदे भजन में, बरसत अमी के बादल, बरसत अमी के बादल, बीजत है कोई संत, बीजत है कोई संत। भजन में आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। भजन करते हैं सारा भ्रम को दूर करके और हम एकाग्रचित करके ध्यान में बैठते हैं, शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। अमेक के बादल बरसता है, संसार को भूल करके हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। जब स्वरूप में स्थित होते हैं और आनंद मिलता है तो संसार स्वतः ही चला जाता है। इसलिए ये मगन की बात, आनंद की बात है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, मन मगन हुआ तब क्या डोले। जब मगन हो जाएंगे भजन में, सुमरण में, प्रेम में, ध्यान में, तो डोलने की बात रहेगी नहीं। जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और एक आनंद ऐसा है कि आनंद से फिर परम आनंद हो जाएगा। परम आनंद का तात्पर्य ये भी है कि अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे। कबीर, किस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे गट गट राम हैं दुनिया जाने नाई। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हिरण के नाभि में किस्तूरी है, लेकिन अज्ञानवश वो हिरण बाहर भटक रहा है, लेकिन आखिरी में
जब उसको भास होता है कि ये चीज़ तो अपन यही है, तो वो स्थिर हो जाता है, फिर उनको ज्ञान हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होता है सज्जनों, तब तक वो भटकता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब का एक पद भी है, बाहर भटके, बाहर कहाँ भटक रहा है, तेरे सारा सुख तेरे अंदर ही है। इसलिए मेरे नैनों में राम रंग छाई रहा रे, नैनों में वो भाव, वो प्रेम, वो स्नेह, वो सतगुरु की वाणी और वो भाव, जड़ चेतन का जो भाव है, हम सतगुरु के द्वारा शब्द सुनते हैं और जड़ चेतन का नॉलेज होता है, जानकारी होती है, तो भाव प्रकट होता है, तो पता चलता है कि ये शरीर है, ये जड़ है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है जिससे शरीर का संचालन हो रहा है, ये अखंड है। तो भाव से ही हम वहाँ ध्यान करते हैं और सारा ध्यान भाव से ही होता, प्रेम से ही होता है। इसलिए संत मुगत के पोलियाँ जिनसे करिए प्यार, कुंची उनके हाथ है खोले मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार का मतलब यह है कि संसार में जितना भी मोह है, आसक्ति है, हम चले जाएंगे, हमारा परिवार का क्या होगा, हमारे घर बार का क्या होगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, ऐसा भाव आता है कि हम मर जाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा। अरे परिवार जब तक तेरा शरीर है तब तक तेरा परिवार है, लेकिन जब तक तेरा शरीर नहीं रहेगा तो परिवार का संबंध ही कहाँ रहेगा, फिर परिवार तो है ही नहीं। उसे ऐसे अनंत परिवार मिले, अनंत समाज मिला, हर जीवनी में परिवार मिला, लेकिन मोक्ष नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला। आसक्ति जरूर हुई, मोह जरूर हुआ, लेकिन आनंद नहीं मिला, अपने आत्म चिंतन नहीं कर पाया। एक मानुष जन्म ही ऐसा एक है अवतार, जिससे मानुष जन्म में आदमी, इंसान संतों की सत्संग कर सकता है और वो अपने परम तत्व को पा सकता है। ये परम तत्व है, वो संतों के सन्निधि में बैठ करके, संतों के चरणों में बैठ करके और ये मिल सकता है। इसलिए मीरा कह रही है, मोइ लागी लगन गुरु चरणन की, मोइ लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोइ कछु न स्वावे, चरण बिना मोइ कछु न स्वावे, ये जग माया है सपनन की, ये जग माया है सपनन की, मोइ लागी लगन गुरु चरणन की। सदगुरु के चरणों में ध्यान लगेगा, प्रेम जग जाएगा, प्रेम जग जाएगा तो संसार सपना जैसे दिखने लग जाएगा। जैसे कोई खेल करने वाला व्यक्ति दिखाता है कि नाटक दिखा देता है वो, लेकिन हम जानते हैं ये तो नाटक है, झूठा है। ऐसे ही संसार में गुरुदेव सत्संग, हम सतगुरु की सत्संग श्रवण करेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे और उनकी वाणी अपने हृदय में बैठाएंगे तो संसार पूरा सपना की तरह दिखाई देगा, कहीं आसक्ति होगी नहीं। और मीरा कह रही है कि मैंने सतगुरु की सत्संग की, इसलिए मेरे मोह नहीं रहा संसार में, संसार में मोह में व्यक्ति डूबता है। इसलिए मीरा कह रही है, भव सागर तो सूख गया है, भव सागर तो सूख गया है, फिकर नहीं मोए तीरनन की,
फिकर नहीं मोए तिरणन की, मोए लागी लघन गुरु चरणन की, मोए लागी लघन गुरु चरणन की। देखो कोई छोड़ना नहीं है, स्वतः छूट जाता है। जब गुरु के चरणों में हम आ जाएंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन संतों की संगत पाई उसकी है पूर्ण कमाई। जिस व्यक्ति ने संतों की सत्संग पा ली वास्तव में उनकी पूर्ण कमाई है। और जिन्होंने पाई है भरतरी, गोपीचंद और मीराबाई और भी कई संत हुए हैं जिन्होंने संतों की सत्संग पाई और उन्होंने संतों के पास में बैठ करके उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण किया, साधना की। संतों शब्द साधना कीजे, जाई शब्द से राम प्रगटे वही शब्द लख लीजिए। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी है कि वो साधना ऐसी जिस साधना से, जिस शब्द से हम अपनी चेतना तक पहुंच सकते हैं, वो राम प्रगट हो जाता है। चेतन राम है वो प्रकट हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रेम होना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए, जीवन में हर तरह जीवन हमारा पुष्प की तरह खिला हुआ रहना चाहिए, हृदय खिला हुआ रहना चाहिए। जीवन में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। साधना होगी, भजन होगा, प्रेम से ही होगा। सत्संग में आएंगे तो ही हमारा प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम एक जड़ है, प्रेम एक जड़ है। जड़ बरसता है तो कितने बाग बगीचे हरे हो जाते हैं, कितने तालाब में पानी आ जाता है और कई वृक्ष, कई पक्षी कितने आनंद करते हैं। इन्हीं जीवन में इसी तरह से जीवन में प्रेम आना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, चाहे कितने बड़ा मठ क्यों नहीं हो, चाहे कितने बड़ा घर क्यों नहीं हो, बंगला क्यों नहीं हो, चाहे कितना ही वो संग्रह कर लिया हो, लेकिन प्रेम नहीं है तो उनके लिए कोई मतलब नहीं, जीवन उन जिए ही नहीं। जीवन में प्रेम, प्रेम आसक्ति रहित जीवन होता है। प्रेम सेवा होती है, सेवा करने की इच्छा आती तो समझो कि हम कुछ प्रेम को संग्रह कर रहे हैं। सेवा कराने की बात नहीं है, सेवा देते हैं प्रेमी। प्रेमी वही होता है कि लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। जीवन निष्काम होता है, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। सुदामा की स्थिति कितनी खराब थी, बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो प्रेमी थे तो कहने लगा कि मैं मेरे प्रेमी के पास जाऊं तो खाली कैसे जाऊं। तो शास्त्र कहते हैं कि वो तंदूर लेकर के गए। प्रेमी वही होता है कि देने के लिए जाएं, लेने के लिए नहीं। इसलिए संसार में देने को तो बहुत कुछ है, लेकिन लेने को मालिक का नाम है। इसलिए कहते हैं कि जिन संतों की सत्संग जीवन में जो कर ली है, उन महापुरुष उनको सबका जीवन धन्य है। पर बड़े बड़े महापुरुष हुए, हमारे महापुरुषों ने कहा कि राम जी साध संगत मोहि दीजो, बेर बेर मेरी यही बेनती कृपा मोह पर कीजो। हे राम जी, हे परमात्मा साहेब, आप कृपा करना, संतों की सत्संग देना जिससे हमारा राग द्वेष दूर हो जाए। देखो संसार में राग द्वेष दूर नहीं होता है तब तक हम क्रोध दूर नहीं कर सकते। हमको पता ही नहीं है क्रोध कब आता है, लेकिन वही व्यक्ति संसार में ज्ञानी है जिसके जीवन में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई प्रकार का क्रोध नहीं है, कोई प्रकार का विकार नहीं है, वास्तव में वो ज्ञानी है, वही पारकी है। इसलिए कहते हैं सतगुरु कबीर साहिब जी कि मेरा कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे के, तो कबीर कबीर। कहते हैं जिनका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, ऐसे महापुरुषों के पास में बैठ करके, संत महापुरुषों के पास में बैठ करके और आप आनंद ले सकते हो। आज ये अवसर मिला हुआ है। बाबू गुरु बाबू भाई ये बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं और इन्होंने ये कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी दी थी। मैं धर्मपुरी गया था, उस समय मुझे निमंत्रण भी दिया कि आपको आना है।
तो मुझे बड़ा आनंद आया। यहाँ हैदराबाद में मेरा आना जाना करीब 20 साल से है और आता जाता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ के काफ़ी लोग परिचित है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि संतों की सत्संग करने से हमारा जीवन सुधरेगा। साध संगत ब्रह्मादिक बंचे नारद मुनि ज्ञानी, जो सुख कही सत्संगत में वो सुख नहीं है राजधानी। अगर राजधानी में सुख होता तो भरतरी गोपीचंद और ऐसे कई राजा महाराजा ने राजपाट का त्याग किया। इसलिए महापुरुषों ने कहा, इस काज भये नर्ब जोगी छोड़िया भोग विलासा। जब सुमरण साधना भजन करने में आनंद मिलने लगा तो राजा महाराजा ने संसार त्याग दिए। इस काज नर्ब भये जोगी, यानी वैरागवान हो गए, उनको पता चल गया कि संसार में कुछ भी नहीं है। इस रस काज भये नर्ब जोगी छोड़िया भोग विलासा, सेज सिंहासन बैठे रहते। उनके लिए अच्छा मुखमल का गदरा था और इतनी व्यवस्था थी, से सिंहासन पर बैठे रहते, लोग खमा खमा करते, हाथ जोड़ते, जय जय, हर तरह से उनका सम्मान मिलता। लेकिन वही आज भस्मी लगाए और उदासा। भस्मी इसलिए लगाए कि उनको मन को समझाएं कि भाई एक दिन तू शरीर का घमंड कर रहा है, एक दिन इनकी भस्मी हो जाएगी। भस्मी लगाने का तात्पर्य संतों का अलग अलग होता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ये राम रस है, ये भजन का रस है, ये राग द्वेष मिटा करके अपने जीवन को पवित्र बनाने का जो ये सरिता है, गंगा है, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव आपके चरणों में, और कहीं फल नहीं मिलेगा लेकिन यहीं फल मिलेगा। सत्संग से ही जागृति मिलती है और सत्संग से ही विवेक जागृत होता है, और सत्संग के बगैर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी जो भी सत्संग मिल जाए, और सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई सत्संग करनी है अपने को अच्छे महापुरुषों की, और नित सत्संग करनी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए बाधा सकल मिटाय, ऐसा अवसर फिर न मिले दुर्लभ नर तन पाय। नित प्रति संगत करना, जैसे भोजन हम नित प्रति करते हैं, नित्य ने भोजन करते हैं, टाइम पर भोजन करते हैं, इन्हीं तरह से गुरुवाणी का पाठ करना, सदगुरु कबीर साहब की वाणी पढ़ना, और पता चल जाए कि हमारे गुरुजन आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, तो जा करके दर्शन करना, उनकी अमृत वाणी को श्रवण करना। जीवन को हम कपड़े को कितना साफ सुथरा रखते हैं, इन्हीं तरह से हम मन को पवित्र करने के लिए, मन निर्मल करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और जितना हम सत्संग करेंगे उतना ही हमारा मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो हरे भी पीछे पीछे फिरेंगे। कबीर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे केत कबीर कबीर। जब आपका मन चंगा हो जाएगा तो कटौती में गंगा हो जाएगी। इसलिए चंगा का मतलब है पवित्र। इसलिए आप सुखी हो गए तो पूरा संसार सुखी हो गए। आप दुखी हैं, आप राग द्वेष से जल रहे हो और ईर्षा से जल रहे हो, द्वेष से जल रहे हो, तो आप दूसरों को कभी सुखी कर ही नहीं सकते। और आपके पास में जो वस्तु होगी वही आप देंगे। गांधी होता अंतर बेचने वाला, वो कुछ भी नहीं दें आपको, लेकिन पास से वो निकलेगा तो खुशबू जरूर देगा, चाहे आप अंतर खरीदे चाहे ना खरीदे। इन्हीं तरह से संत महापुरुष से आप चाहे कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उनके पास जाएंगे तो ज़रूर आपको ज्ञान मिलेगा। इसलिए नित्य प्रति संतों की सत्संग करने से ही ये मानुष जन्म सफल होगा, दूसरा कोई साधन नहीं है कलयुग में। इसलिए जितना हो सकें हम महापुरुषों की सत्संग करें। ये सत्संग माँ यज्ञ है, और इस सत्संग से कैसे कैसे लोग, डाकू लोग, लुटेरे लोग मान बन गए,
अंगुलीमार और भी कई ऐसे डाकू हुए, रत्नागर, गाटमदास। गाटमदास तो बहुत बड़ा डाकू था और उन्होंने संतों की सत्संग करी। एक दिन की सत्संग करने से उनका जीवन सुधर गया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तपस्या वर्ष हजार करे, सत्संग पल एक। एक पल की महापुरुषों की अगर सत्संग मिलती है तो हमारा जीवन सुधार सकती है। इसलिए ज़्यादा ना बोल करके, और मेरे हिसाब से टाइम हो गया होगा, हो गए साहब, तो मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूँ, ज़्यादा समय न लाएँ, क्योंकि महापुरुष साहेब बहुत पधारे हुए हैं। सबों की अमृत वाणी श्रवण करनी अपने को, और अमृत वाणी महापुरुषों की अपने जीवन में धारण करेंगे तब हमारे जीवन में बड़ा आनंद होगा। बोलिए सतगुरुदेव की। देंगे अभी, हाँ लगा दो। उठाओ तो उठा दो ना, उठेगा नहीं क्या? और अप नहीं होगा, बहुत दूर है, चलेगा? इसको ऐसे बढ़ा देते, हाँ थोड़ा सा। साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। संत मिलन को जाए, तजी माया बीमार। संत मिलन को जाए, तजी माया बीमार। ज्यों ज्यों पग सत्संग सदा करना, सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है उपकारी बन, जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना कमाना है। अनमोल मिला जीवन, सुंदर यह बेला है, गुरु ज्ञान का भान उगा, सब ओर उजेला है। अनमोल मिला जीवन, सुंदर यह बेला है, गुरु ज्ञान का भान और उजेला है। इन ज्ञान रश्मियों को, इन ज्ञान रश्मियों को प्राणों में समाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमा।
सत्संग सदा करना जीवन को बनाना है। उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। अपने पन को छोड़ो, अपना न पराया है। अपना तो दो दिन का बस नाम धराया है। अपने पन को छोड़ो, अपना न पराया है। अपना तो दो दिन का बस नाम धराया है। हरदम जो बदलता है, हरदम जो बदलता है, वो ही तो जमाना है। उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना जीवन को बनाना है। उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। हे वक्त बड़ा परवल जो बदल दे हर बाजी, पर इससे बड़ा है वो हर हाल में जो राजी। बड़ा परवल जो बदल दे हर बाजी, पर इससे बड़ा है वो हर हाल में जो राजी। गुरु चरणों में मन को, गुरु चरणों में मन को गुरु बोध रमाना है। उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना जीवन को बनाना है। उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज सद्गुरु कबीर जन्म जयंती निमित्त कार्यक्रम नो जे आयोजन भक्तराज श्री बाबूलाल जी के द्वारा करवामां आव्युं, किया गया, उसमें आज प्रथम दिन दूसरी सभा शुरू में हम भजन श्रवण किए, उसके बाद सद्गुरु कबीर साहेब की वाणी के आधार पर सत्संग श्रवण किए। सद्गुरु कबीर साहेब ऐसे महान संत हो गए जो संत शिरोमणि कहलाए। उनकी वाणी मुख्य बीजक ग्रंथ, उनमें उन्होंने मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, कैसे अपने बंधनों से अपने को मुक्त करना चाहिए, कौन ईश्वर परमात्मा से
कौन कौन देवी देवता से अनेक प्रकार की समझ उन्होंने बीजक के माध्यम से हम लोगों को दी है। सुबह के सत्र में हम सुन रहे थे कि पृथ्वी के विषय में, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, कौन उत्पन्न किए, इसकी चर्चा गुरुदेव जी सुना रहे थे कि अनेक शास्त्र, अनेक परंपरा, अनेक महापुरुष अलग अलग प्रकार से बताए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अनादि अनंत ये जो पंच भौतिक तत्व है, मुख्य रूप से चार, मिट्टी, पानी, आग, हवा, उनको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, न उसका नाश होता है, वो अनादि और अनंत है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि कब से ये पृथ्वी है। इसी प्रकार लोगों का प्रश्न रहता है कि ये जीव कब से बंधन में पड़ा, वो कैसे बंधन में पड़ा, क्यों बंधन में पड़ा, तो उसके लिए भी हम नहीं कह सकते कि वो कब से बंधन में है। बस इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में बंधन में है, उसका अनुभव हम लोग करते हैं। संत गुरु की वाणी सुन करके, सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान सुन करके बात हमें समझ में आती है कि हम बंधन में हैं और उस बंधनों को हम कैसे छुड़ावे, किस प्रकार इस जन्म मरण के चक्र से हम छूटे, बस यही जानना है। कब से बंधन में है उसको जान करके क्या करेंगे, बस है उससे छुटकारा पाना है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ में कहा है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु आप ठौर करू मुए कहाँ कर तेरा, यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहे कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। सद्गुरु कबीर साहब मनुष्य मात्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, हे बंदे, हे बंधन युक्त जीव, तू अपने आप का निबेरा कर ले। जब जीव के पास कोई बंधन न होता, हम लोगों के पास कोई बंधन न होता, तो हम आते क्यों इस संसार में? आए हैं तो कुछ कर्म संस्कार, कुछ बंधन, कुछ वासनाएं लेकर के आए हैं, बस उससे निवृत्त होने का काम करना है। तो साहब कैसे कि तू अपने आप का निवेड़ा स्वयं कर, कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता तुम्हारे बंधन को छुड़ाएंगे नहीं, तुम्हारे बंधन को नष्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे बंधन को मिटा नहीं सकते, क्योंकि जीव ने स्वयं बंधन बनाया है और स्वयं ही उसको जान सकता है और स्वयं ही उसको खोल सकता है। केवल संत गुरुजन हमें रास्ता बताते हैं कि जिस प्रकार मैंने अपने बंधनों को समझा, जाना, उससे निवृत्त हुआ, इस प्रकार तुम भी बंधनों को समझ, तो हमें समझ देते हैं कि है बंधन क्या। और वो बंधन बाहर से दिखने वाला बंधन नहीं है। इन्हें सद्गुरु कहते हैं, बिन रसरी घर सकलो बंधा, बिना रस्सी का ये बंधन है जो हम देख नहीं पाते। हमारा बंधन कोई दूसरा नहीं देख सकता और दूसरे का बंधन हम नहीं देख सकते, लेकिन उस बंधनों को परखाते हैं संत गुरुजन। वो मानसिक बंधन है, मनोगत बंधन है और जीव के बनाए हुए बंधन है। उन्हें खुद उस बंधनों को परखना पड़ेगा। इसीलिए कहा भी गया कि बंधन से निवृत्त होने के लिए सद्गुरु और संत आधार है। उन्होंने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चल करके हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साहेब इस शब्द में कहते हैं, हे बंदे
तू अपने बंधनों को समझ, बंदे कर ले आप निबेरा, तू उसका निबेरा कर ले। जैसे कोई चर्चा चल रही हो और बहुत उसके ऊपर वाद विवाद चलता हो तो लोग कहते हैं कि अब इसका निवेड़ा करो। इसी प्रकार ये अनादि का बंधन, ये जीव अनादि काल से जन्म मरण में घूम रहा है, तो उसका निवेड़ा करने का ये समय मिला। आज मनुष्य शरीर मिला है, समझ शक्ति मिली है, इंद्रिया भी सुंदर से है और संत गुरुजन भी मिल गए हैं, तो बंधनों को जान करके हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। साहब कहते आप जियत लखूं आप ठौर करूं मुए कहां घर तेरा। आप जियत लखूं, जीते जी तू अपने आप को जान। अब प्रश्न हो सकता है कि क्या हम अपने को नहीं जानते हैं? लेकिन संसार में देखा जाता है कि सभी लोग अपने को शरीर मानते हैं और शरीर मान करके ही नए नए बंधन बनाते चले जाते हैं। छोड़ने की बात तो दूर, बल्कि नया नया बंधन व्यक्ति बनाता चला जाता है और फिर वही जन्म मरण का चक्कर उसका बना रहता है। तो वर्तमान जीवन में सद्गुरु कहते आप जियत लखूं, जीते जी तू अपने आप को जान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। अपने आप को जाने, ये जानने वाला, ये बताने वाला, ये बोलने वाला वही मैं हूँ। जिस प्रकार शरीर जैसे मकान मालिक हो और मकान दोनों अलग अलग है, इसको तो हम जान लेते हैं कि मकान अलग है और मकान मालिक अलग है। जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अलग है और गाड़ी अलग है, इसको तो हम जान लेते हैं। लेकिन शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, इसको बहुत कम लोग जान पाते हैं। जब तक गुरु की शरण नहीं मिलेगी, सत्संग नहीं मिलेगा, स्वरूप का बोध देने वाले ऐसे संत गुरुजन नहीं मिलेंगे, तब तक व्यक्ति को पता नहीं चलता कि शरीर से मैं अलग हूँ। तो इसीलिए ऐसे सत्संग आयोजन किया जाता है कि लोगों को अपने आप का बोध हो। और जब तक व्यक्ति को बोध नहीं होगा, तब तक वो अपने आप को कैसे छुड़ा सकता है। सद्गुरु ने कहा भी है, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन छीन, दोनों की परिचय भई तब ही मोक्ष लख ली। तो पहले स्वरूप को जानना है कि मैं ये शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। अगर व्यक्ति को बोध हो जाए तो संसार में किसी प्रकार की उलझन नहीं रहेगी। उलझन, मानसिक विकार, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अपने स्वरूप को न जानने के कारण। और व्यक्ति जब अपने आप को जान लेता है तो सारे प्रकार, जितने प्रकार की चिंताएं, तनाव, उद्वेग, सब शांत हो जाता है। तो सद्गुरु संतों की शरण में जाकर के अपने आप का बोध प्राप्त करना पड़ेगा, बंधनों को जानना पड़ेगा और जान करके कैसे छुड़ाना है। बाकी संसार में जितने मत, पंथ, संप्रदाय है, वही कहेंगे कि परमात्मा की भक्ति करो या गुरु का शरण, गुरु की शरण हो जाओ, बोध कंठी प्राप्त कर लो, जीवन में गुरु धारण कर लो, आपका सब काम हो जाएगा। लेकिन गुरु भी हमारे बंधन को छोड़ाएंगे कैसे, रास्ता बताएंगे, इतना महत्व है। बाकी गुरु भी ऐसा कोई फल नहीं है कि जो तोड़ करके शिष्य को दे सके। इसके लिए सद्गुरु कहते कर बहिया बला अपनी छाट बिरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे शोकस मरे पिया। अगर व्यक्ति के आंगन में नदी बहती हो और वो प्यासा मरे तो ये उनकी कितनी बड़ी भूल है। आज हमें सद्गुरु संत मिल गए हैं, सच्चा बोध प्राप्त हो गया है, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम इस जन्म मरण से कैसे छूट सकते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तू तारा बाहुबल का भरोसा कर, दूसरे की आशा मत कर। ये सद्गुरु कबीर साहब की वाणी हमें समझाती है। बाकी अन्य मत, पंथ, संप्रदाय
यही बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई दूसरा है, तुम्हें शांति देने वाला कोई दूसरा है, तुम्हें मुक्ति देने वाला कोई दूसरा है। इसलिए व्यक्ति बाहर भटकता रहता है, कोई नदियों में, कोई पहाड़ों में, कोई तीर्थों में, कोई मूर्ति में, कहाँ कहाँ व्यक्ति भटकता है। साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु तो तुम्हारे पास में क्या, तुम स्वयं हो, लेकिन तुम बाहर दौड़ रहे हो। जब तक बाहर की दौड़ समाप्त नहीं होगी तब तक तुम अपने आप को नहीं जान सकते। तो सदगुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखू, जीते जी तू अपने आप को जान ले, और जान करके आप ठोर करो, अपनी स्थिति बना लो। अरे वर्तमान में ही किया जाता है, क्योंकि भूत तो बीत चुका, उसको हम वापस नहीं लौटा सकते, और भविष्य की हमें कोई आशा नहीं कर सकते। कितने दिन ये जीव इस शरीर में रहेगा उसको कोई नहीं जान सकता है। इसलिए वर्तमान समय में ही हमें अपने आप को जानना है, और जान करके अपने आप में स्थित होना है। और उसी के लिए सदगुरु संत हमें रास्ता बताते हैं कि तुम्हारा बाहर जो मन दौड़ रहा है, जो अनादिकाल के संस्कार बाहरी होने के कारण दृश्यों में दौड़ता है मन, उस दृश्यों से छुड़ा करके अपने आप में आओ, मन को अंतर्मुख कर। तो स्वरूप को जानने के बाद साधना के द्वारा अपने मन को अंतर्मुख करेंगे, तब अपनी स्थिति बना पाएंगे। तो साहब कहते, आप ठोर करो, मुए कहाँ कर तेरा, मरने के बाद तुम्हारी कहाँ स्थिति होगी। क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं कि वर्तमान में अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और खराब कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। तो स्वर्ग और नरक ऊपर कहीं है नहीं, लेकिन व्यक्ति के कर्मों के सुधार के लिए एक कल्पना की गई कि जिस व्यक्ति अच्छा कर्म करे, अच्छे कर्म के आधार पर व्यक्ति जो कोई भी हो, थोड़ी समझ अच्छी है, बुद्धि ठीक है, संस्कार बड़ा ठीक है, तो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, भले उनको स्वरूप का बोध नहीं है, तो अच्छे कर्म के नाते उनको आगे अच्छा जन्म मिल सकता है। इसलिए जो अच्छा कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, उसको मरने के बाद क्या होगा उनकी उसको चिंता नहीं रहती है। और जिनको बोध हो गया और जिनके जीवन में रहनी आ गई, उनको पता है कि मैंने अपने आप को जान लिया, समझ लिया, अपने आप में स्थिति बना ली है, तो मरने के बाद कहाँ जाना है, अपने स्वरूप में है, उनको भी कोई चिंता कोई दुख नहीं होता है। लेकिन मृत्यु के समय जो पुण्य कर्म नहीं करते हैं, जिन्हें बोध प्राप्त नहीं है, जिनकी रहनी नहीं है, उनको ही दुख होता है, उनको ही पीड़ा होती है कि मुए कहाँ कर तेरा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, उसी से उनको चिंता होती है। तो सदगुरु कहते हैं कि जीते जी तू अपने आप को जान ले, अपनी स्थिति बना ले, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है कोई जानता नहीं है। लेकिन अन्य मत पंथ में कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होगी। सदगुरु कहते हैं, जियत न तरे हो मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी अगर तुमको मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है तो मरने के बाद कौन जानता है। तो सदगुरु कबीर साहब का ऐसा सचोट ज्ञान है कि अगर व्यक्ति अच्छी तरह से समझ ले जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इनको जान करके अपने आप की स्थिति बना ले, तो उसको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पद में सदगुरु कहते हैं, आप जियत लखू, आप ठोर करो, मुए कहाँ कर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। आज ये अवसर मिला है, मानव शरीर मिला है, सदगुरु संत मिले हैं, सही बोध मिला है, तो ये अवसर अगर चूक गया तो आगे फिर से मानव शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। जो ये अवसर मिला है उसको अगर चूक गया तो अंत में जिसके लिए तुम दौड़ रहे हो, है ना, धन संपत्ति के लिए, भौतिक ऐश्वर्य के लिए व्यक्ति दौड़ते 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 उसी में पूरा जीवन बिता देता है, और जो वस्तु छूटने वाली है।
तो छूटने वाली वस्तु को बटोर करके साथ में तो जाएगी नहीं, और जो नहीं छूटने वाली वस्तु है, जो अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये अवसर चूक गए, तो फिर बारंबार ये समय मिलेगा नहीं। आज सदगुरु संत मिले हैं, किसी ने कहा भी है, मानुष जन्म सदगुरु मिलन, मोक्ष हो इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न होय खोय। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर मिला है, सदगुरु संत मिले हैं, सही बोध मिल गया है, अब मोक्ष की इच्छा हुई, इसीलिए तो सत्संग में आए हैं, संत गुरु की शरण में जाते हैं और बार बार सत्संग सुनते हैं कि जिससे हम भी इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। और आज ये बाबू गुरु जी जे सत्संग का आयोजन किया कि मैंने सही बोध प्राप्त किया, सदगुरु कबीर साहब का सही ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को भी एक ज्ञान मिले कि जिससे वो भी अनेक प्रकार की भ्रांति, मान्यता, कल्पना, देवी देवता, भूत प्रेत, इन सब से ऊपर उठ सके, ऐसा प्रयास उन्होंने किया। लेकिन फिर भी लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उनका पुरुषार्थ तो उनके साथ में है, अब जितना लोग लाभ ले सके उनका लोगों का लाभ होगा। तो इस प्रकार आज मानव शरीर मिला, सदगुरु संत मिले और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो इसी जीवन में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और अंत में सदगुरु कहते हैं, कठिन काल को घेरा, ये काल का घेरा, ज्ञान का घेरा है, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये जीव अनादि काल से अज्ञान में तो डूबा हुआ है, बुरे कर्मों में, गलत आदतों में तो डूबा हुआ है, अब वर्तमान जीवन मिला है और संत गुरुजन मिले, फिर भी अगर वो ना चेते तो उसका खुद को ही नुकसान होगा। और मृत्यु तो सबके पीछे, काल का अर्थ मृत्यु भी है, मृत्यु तो सबके पीछे लगी हुई है ना, ये श्वास अभी बाहर गई अंदर आएगी कि नहीं, कोई पता नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन लोग एक काम करना चाहते नहीं है और ऊपर से कहते हैं कि काल आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्या है, जीना है बरसो, जैसे लगता है कि गारंटी लेकर के आए हैं कि 100 साल जिएंगे और बुढ़ापा में भक्ति करेंगे, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जब तक जीवन दरमियान नहीं करेंगे तो अंत में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान जीवन मिला है, सदगुरु संत मिले हैं, बोध मिला है, तो उनके अनुसार उपदेश ग्रहण करके अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाए तो हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। और जो आज सत्संग का आयोजन हुआ है, उनका पुरुषार्थ भी तभी सफल होगा कि हम 3 दिन जो कुछ भी सुनेंगे उसमें अपने जीवन में आचरित करें तो हमारा जीवन भी सुंदर और सफल हो जाएगा। इतना ही कह करके वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सदगुरु देव की। हेलो, इसको बढ़ाओ थोड़ा। हेलो हेलो, कबीर पारख आश्रम धर्मपुरी बड़ोदरा गुजरात से आई हुई साध्वी विजया जी के विचार सुने। सद्गुरु कबीर की यह पंक्ति, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, इस पर अभी सुंदर विवेचन सुन रहे थे। पूज्य श्री साहेब जी हम लोगों के बीच विराजमान हैं, आपका बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की। परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, आप लोग के समक्ष एक भजन के लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा पन्नार्थ एक भजन प्रस्तुत है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया हारा तो आया तेरे द्वार,
सुख में गुरुवर तेरी याद न आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई, सुख में गुरुवर तेरी याद न आई, दुख में गुरुवर तुमसे सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा सबे कुछ लूटा बस लाज बची है, तुमसे ही गुरुवर मेरी आस बंधी है, सबे कुछ लूटा बस लाज बची है, तुमसे ही गुरुवर मेरी आस बंधी सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा दीवाना, जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा दीवाना, मैंने तुमको माना है माते पिता परिवार, मैंने तुमको माना है माते पिता परिवार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, कहाँ जाऊँगा सरकार, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
जय। मैडम बंद कर देते हैं। हेलो।